छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी राजमाता जिजाऊना वंदन करून आज राष्ट्र सनातन संमेलनाला उपस्थित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज, स्वामी गोविंद गिरिजी महाराज, श्री कृष्ण तथा प्रवचनकार श्री अनुरुद्धाचार्य महाराज आणि गजानन ज्योतकर गुरुजी। सबसे पहले मैं जगद्गुरु शंकराचार्य जी का यहां महाराष्ट्र के भूमि पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। खासदार नरेश मस्के यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, ते कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार गीता जैन मॅडम, रवींद्र पाठक, पूर्वेश सरनाईक, परीक्षा सरनाईक, विक्रम प्रताप सिंह, कमिश्नर संजय काटकर, मंत्री जी हमारे उदय सामंत जी, सभी सर्व मान्यवर। थोड़ा मराठी में मैं हमारे महाराष्ट्र के भूमि में आप यहां पर पधारे हैं, मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने या जगद्गुरु शंकराचार्य आणि सर्व मान्यवरांचं मनापासून स्वागत करतो, मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से, महाराष्ट्र के सरकार की ओर से हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी और सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। भागवत सत्संग सनातन राष्ट्र में सम्मिलित सभी महानुभाव और सभी मान्यवरों का भी मैं स्वागत करता हूं और मैं इतना ही कहूंगा, यहां हिंदुत्व का जागरण शुरू है, हर तरफ भगवानमय वातावरण है, जय श्री राम का नारा सब जगह लग रहा है, गूंज रहा है, जय श्री राम, लगा जब मैं पहले यहां पर आया था कि जैसे हम अयोध्या में हैं, अयोध्या के पावन नगरी में एक पुण्य भूमि में हम जाते हैं, तब एक अलग महसूस होता है, एक श्रद्धा भक्ति एक कंपन, और आज भी वही यहां पर महसूस हो रहा है। हमारे तुकोबा माउली ने कहा है, साधु संत यति घरा तोची दिवाली दसरा, इसका मतलब है अर्थात जब साधु संतों का घर में आगमन होता है तो वही पर दीपावली और दशहरा के समान हमारे लिए होता है, और इसलिए आप लोग यहां आए हैं
हमारे जो अनिरुद्धाचार्य महाराज के नीचे बैठे हैं उनकी भी कथा चल रही है। आज यहां नवरात्रि के पहले दशहरे का माहौल बन गया है। दो दिन बाद नवरात्रि शुरू होने जा रही है। मेरा भाईंदर वासियों को मैं अभी से ही शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे प्रताप सरनाईक, मैंने अभी कहा कि उनकी पहल से ये शुभ सत्संग हो रहा। 3 दिन से एक कार्यक्रम में हजारों की तादाद में सब लोग यहां आ रहे हैं और प्रवचन सुन रहे, राम लल्ला की जय जयकार कर रहे, श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार कर रहे और एक आनंदमय माहौल यहां बना हुआ है। और आज परम पूज्य हमारे साधु संत यहां पधारे हैं, उनके आने से ये मेरा भाईंदर, ये ठाणे जिला, ये महाराष्ट्र पावन हो गया है। ये पवित्र हुआ, ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये वीरों की विरासत है और इसलिए इनका आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग लालायित थे और वैसे ही मैं भी हूं। महाराष्ट्र ने हमेशा धर्म और अध्यात्म को अपनाया है। हमारे भागवत संप्रदाय ने मानवता और अध्यात्म को जोड़ने का काम किया है। साधु संत हमारी धरोहर है, उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हमें प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। मैं भले मुख्यमंत्री हूं, हमारे मंत्री है, हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, लेकिन राजनीति का अधिष्ठान आपके धार्मिक और आध्यात्मिक अधिष्ठान से नीचे है, आपकी धरोहर हमसे ऊपर है। हम सभी गुरु परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम हिंदू हृदय सम्राट हमारे बाबा साहेब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंद के साहेब की छत्र छाया में हम लोगों ने यहाँ पर समाज कार्य शुरू किया और कट्टर हिंदुत्ववादी धर्मवीर के सानिध्य में हमारा पूरा जीवन और समाज यात्रा शुरू हो गई है। एक सच्चे धर्मवीर का शिष्य होने नाते मुझे भी अभिमान है, मुझे भी गर्व है, मुझे भी फख्र है। उन धर्मवीर का नाम है आनंद दिगे साहब और दिगे साहब के समय में बहुत से साधु संत आते थे, कुंभ मेला में जाते थे, सभी जगह पहुंचते थे और उन्हें भी बड़ा मान सम्मान मिलता था और संतों को बड़ा मान सम्मान धर्मवीर आनंद दिगे जी दे रहे थे और इसीलिए हमने धर्मवीर आनंद दिगे और बाला साहेब ठाकरे जी का मार्ग अपनाया है, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं और इसीलिए यह मैं कहूंगा कि बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे ले जाना हमारे लिए एक कर्तव्य का रास्ता बन चुका है और इसलिए हमने बताया है, दिखाया है हमारे धर्मवीर आनंद दिगे जी के ऊपर एक धर्मवीर की फिल्म भी बनाई है, उसमें उनके पूरे जीवन चरित्र को हम एक फिल्म में नहीं दिखा पाएंगे। एक से दूसरा हुआ, दूसरे से तीसरा होगा, पता नहीं कितने होंगे और इसलिए हाँ यहाँ पर 4 साल पहले कोरोना का संकट था, यहाँ पर लोग मृत्यु से जूझ रहे थे और पालघर के इलाके में 2 साधुओं की हत्या हुई थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। लेकिन मैं अभी कहूंगा हमारे राज्य में
एक भी साधु संत के बाल को हाथ लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। और तब उस समय के सत्ताधीश चुप्पी साधे बैठे और कई ऐसे मौके और कई ऐसी घटनाएं हुई जो हिंदुत्व और बाबा साहब के विचार को तोड़ मरोड़ने की कोशिश हो रही थी। और इसलिए मैंने ये मार्ग अपनाया जो इंदुरदेव सिंगार महाराज ठाकरे जी और दिगे साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाना। और इसलिए आम जनता जो है उसके दिल की सरकार लाने का काम हमने किया। हम कुर्सी की लालच में नहीं, जनता की सेवा करने के लिए सरकार बनाई है। हमें क्या मिला इससे, हमने समाज को क्या देना है, हमें राज्य को क्या देना है, हमें देश को क्या देना है, यही मकसद हमारा है और यही विचारधारा हमारी है। और सनातन धर्म की रक्षा करना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि हमारी सरकार ने एक तरफ डेवलपमेंट विकास, मुख्यमंत्री होने के नाते आपके समक्ष कुछ मौका तो जरूर लूंगा, और इसलिए एक तरफ विकास हो रहा है, एक तरफ बड़े बड़े प्रकल्प हो रहे हैं, रोड हो रहे हैं, मेट्रो हो रहे हैं, फ्लाईओवर हो रहे हैं, कई ऐसे परियोजनाएं हो रही है। दूसरी तरफ हमारे उद्योग मंत्री यहां पर है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आज महाराष्ट्र में आ रही है, ये भी बहुत बड़ा सुकून क्या कहते हैं उसे, कि ये हमारे राज्य को इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट कहते हैं। और दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ये बहुत ही लोकप्रिय हो गई। लड़कियों को मुफ्त में शिक्षित प्रोफेशनल एजुकेशन देना, किसानों के लिए अनेक निर्णय लेना, युवाओं को नौकरी देना, उन्हें अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड देने वाली ये महाराष्ट्र देश में पहली सरकार है। और इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि मैं अपने आप को सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम मीन्स कॉमन मैन समझता हूं। जब आम आदमी के साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। और इसलिए मुझे आज बहुत ही खुशी है कि हमारे सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय हुए जो लोगों के हित में थे, हमारे माता बहनों के, हमारे युवाओं के, हमारे किसानों के, और हमारे राज्य में बताओ किसी भी माँ बहनों के ऊपर आग उठा कर किसी ने देखा, अन्याय अत्याचार किया, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए सरकार की। मराठी में कहते चुकीला माफी, चुकीला माफी नहीं। और इसलिए हमारे राज्य में सब विभाग के, सभी जाति पाति के सभी लोग रहते हैं, और हम एक हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है या निभाते हैं। मैं यहाँ पर स्वामी जी, आप अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आने से पहले हमारे सदा स्वामी जी सदानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी ने भी ये गौ माता के बारे में कहा कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। गौ माता हमारी राज्य की
कहते हैं लोग राज्य के पशु पक्षी की एक पहचान होती है। तो गौ माता की रक्षा करना ये हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे शंकराचार्य जी सदानंद सरस्वती जी ने भावना व्यक्त की और हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा कि आप यहाँ पर राज्य की जैसे पहचान होती है पशु प्राणी माता सबसे, तो राज्य की माता के रूप में गौ माता को विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहता हूं, मुझे खुशी है कि राज्य माता गौ माता को दर्जा देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और इसलिए गो रक्षा होगी, गोशाला जो है उसे अनुदान होगा और हर हमारी गाय जो है हमारी माता है उसके जो रोज का चारा होता है उसके लिए भी आज ही सरकार ने प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है। इतना ही मैं कहूंगा। ये मैं दोनों स्वामी जी को जिया सौंप दिया है आपको। जब हम बोलते हैं वही करते हैं, जो होने वाला है वही बोलते हैं, करने जैसा है वही कहते हैं। और इसीलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आज पवित्र हुआ हमारा थाने जिला, भाईंदर की धरती पर साक्षात कुंभ मेला ये लगता है। और दो लाइनें मैं कहूंगा, देश का अस्तित्व है हिंदुत्व, यही हमारा तत्व है, यही हमारा सत्व है, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्व, ये हमारे विचार है, ये हमारे विचार। और हमारे बाला साहब का पूरे देश ने देखा हिंदुत्व, लेकिन आगे क्या हुआ मैं क्या बताऊं। बेचा अपना तत्व पर सौगंध राम की खाते हैं, जिसने छोड़ा हिंदुत्व जनता मिटाएंगे उनका अस्तित्व, इतना मैं कहूंगा। और जो हिंदुत्व का करेगा पुरस्कार वही बाला साहेब के विचारों का सही होगा वारसदार। धन्यवाद। मैं फिर एक बार दोनों हमारे शंकराचार्य जी का, फिर एक बार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, इन दोनों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं बड़े जोर से तालियों की गुंजाहट में, इनका स्वागत कीजिए। सभी लोग जो है ये स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी भी थे, गोविंद गिरी जी महाराज भी थे,
सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और सभी लोगों को हमारे गजानंद जुटकर गुरु जी वो भी है, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं स्वामी जी को इतना ही कहूंगा कि इस महाराष्ट्र की जनता के जीवन में बदलाव आ जाए, सुख समाधान आनंद आ जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए और पूरा महाराष्ट्र सुखी हो जाए। इतना ही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। और हमारे बीरा भाईंदर वासियों को आशीर्वाद दिलाना, ये काम आपने किया है, इसलिए आपको भी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।